Assalamualaikum, hello friends, welcome to my JahanArasKitchen. किचन आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से जरूर होंगे। आज मैं आप सबके साथ ऑरेंज जूस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ऑरेंज जूस मैं यहाँ पर एक नए अंदाज में बनाने वाली हूँ, आप इसे एक बार अपने घर पर जरूर बनाकर देखिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ऑरेंज जूस की रेसिपी। ऑरेंज जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो के करीब ऑरेंज लिया हुआ है और ये बिल्कुल फ्रेश ताज़ा ऑरेंज है और इसमें बीज जो है बहुत ही कम होता है। बहुत ही मीठा ऑरेंज मैंने लिया है यहाँ पर। तो इसके साथ मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च भी ली है। इससे क्या ना, हमारा ऑरेंज जूस बहुत ही चटपटा सा स्पाइसी बनता है, जिसे पीने में बहुत ही मज़ेदार का लगता है। खट्टा मीठा और चटपटा सा रहता है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत ही मज़ेदार का जूस बनता है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सारे ऑरेंज को हमें ब्लेंडर जार पर रख लेना है। मैं यहाँ पर जूस को ब्लेंडर जार पर बनाने वाली हूँ। अगर आपके घर में जूसर है तो आप उससे भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर हरी मिर्च को इसके साथ पीसूंगी। तो चलिए, मैंने ब्लेंडर पर थोड़ा सा पहले ऑरेंज डाल लिया है। अब मैं यहाँ पर 4 चम्मच के करीब चीनी डाल लेती हूँ। ऑरेंज बहुत ही मीठा है तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर चीनी ऐड किया है। तो अब मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब चाट मसाला पाउडर भी डाल लेती हूँ और साथ ही 1/2 ग्लास के करीब पानी। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं। इसी तरह से मैं सारे ऑरेंज को भी पीस लूँगी हरी मिर्च डाल के। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑरेंज को पीस लिया है और हमारा जूस बिल्कुल तैयार है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1/2 ग्लास के करीब पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डाला है। आप चाहें तो यहाँ पर और 1 ग्लास के करीब भी पानी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसे छान लेती हूँ। छानने के बाद ऊपर जितना छलनी पर रह जाएगा हम उसे फेंक देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ऑरेंज जूस बिल्कुल तैयार है। फ्रेश ऑरेंज जूस, स्पाइसी ऑरेंज जूस, आप इसे चटपटा ऑरेंज जूस भी बोल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का लगता है पीने में। आप यहाँ पर चख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर और चीनी ऐड करना है कर सकते हैं, या फिर चाट मसाला पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर चीनी, चाट मसाला पाउडर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ऑरेंज जूस बिल्कुल तैयार है। इस तरह से एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाकर देखिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। हरी मिर्च का फ्लेवर आ जाता है जूस पर, जिसकी वजह से जूस पीने में बहुत ही लाजवाब लगता है। थोड़ा सा स्पाइसी रहता है, खट्टा मीठा टेस्ट आता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है पीने में। तो इस तरह से एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाकर देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज की ऑरेंज जूस की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।